नमस्कार दोस्तों, आज के बदलते जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। आज कई लोग ऐसे हैं जो किसी नौकरी के कारण तो या किसी मजबूरी के कारण अकेले रहते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से स्वेच्छा के अनुसार अकेला रहना पसंद करते हैं, अपने काम को सच्ची लगन से अकेले ही करते रहते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें तो बहुत कुछ बुनियादी गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में बहुत कुछ जल्दी ही हासिल कर लेते हैं, और दूसरी ओर ऐसे भी लोग होते हैं जो कि एक पल के लिए भी अकेले नहीं रह सकते। ऐसे लोगों का अकेले पड़ जाना जैसे अंधेरी काल कोठरी में जीवन भर के लिए किसी कैदी की तरह पर जाना होता है। फिर ऐसे लोग भाग दौड़ भरी इस जिंदगी में उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि उनको अकेला रहना पसंद ही नहीं होता। खुद के लिए कोई समय नहीं, खुद के काम के लिए समय नहीं। फिर ऐसे लोग यह सोच कर पछताते हैं कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से दूर होकर खुद के लिए समय निकाल लिया होता तो आज ऐसा दिन नहीं आते। पर अकेला रहना हर किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है, और अकेले रहने का यह मतलब भी नहीं है कि हम अपने घर बार परिवार रिश्ते नाते मित्रों से दूर हो जाएं। अकेले रहने की भी एक कला होती है जो आगे हम इस कहानी में जानेंगे। हम कैसे एकांत में रहकर अपने काम को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने उज्ज्वल भविष्य को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम अकेले रहने के उन 7 अमूल्य गुणों के बारे में भी जानेंगे जो गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को बताए। तो दोस्तों, कहानी बहुत ही मजेदार है, ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के लिए एक लाइक जरूर दें। एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे दुख का कारण क्या है? गुरु बहुत ही बढ़िया आत्मज्ञानी बैठे थे। गुरु ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और चीजों के प्रति आसक्त होकर उसके पीछे भागना ही तुम्हारे दुखों का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु का धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था, आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, बोले, आपका इशारा मिल गया और समझदार को इशारा ही काफी होता है। एक महीने बाद वह व्यक्ति फिर से गुरु के पास आया और इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत ही बुरा था, बहुत दुखी था और सीधे गुरु के चरणों में आकर गिर गया और कहने लगा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसे ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों मित्रों से दुख मिल रहा था तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे, रिश्तेदार याद आने लगे, यहाँ तक कि मुझे अपने शत्रु भी याद आने लगे। इतना दुख तो मैंने उनके पास रहकर नहीं पाया, इतना क्यों उनसे दूर होकर मैं दुखी हो गया हूँ। इसलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी गुरुदेव? गुरु मुस्कुराए। गुरु ने कहा, तुम परिवार को छोड़कर भाग गए, मित्र रिश्तेदारों, यहाँ तक कि शत्रुओं को भी छोड़कर भाग गए, लेकिन यह तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम उन्हें छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तो तुम उन्हें साथ लेकर जा रहे हो।
व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरु ने कहा, जो चीजें हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती, वहां हमारे भीतर ही होती है। यह सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु कहां बसते हैं? यह सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भाग गए तो तुम अपने मन को साथ लेकर भाग रहे थे, और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भागे तो तुम इनसे कहीं दूर नहीं गए। जब जो तुझे मन में बसी हो और वह आसपास हो तो वह जो दुख देती है वह हमें बहुत लगता है, पर वह बहुत कम होता है। और जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं या उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन उन चीजों को पाने के लिए और भी प्रयास करने लगता है, और तब यह चीजें बहुत ज्यादा दुख देती हैं, जैसे तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, चीजों को छोड़कर जाऊं तो दुख? क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए जन्म लिया है? गुरु जोर से हंसे और कहा, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहां सब सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि दुखों के पार सुख है और उन सुख के पार दुख है, फिर सुख है और फिर दुख है। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वह दुख देती है, और जो चीजें हमें दुख देती है वही सुख का कारण बन जाती है। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव क्या इस सुख दुख के माया जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, रास्ता तो है, अगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सब के साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे ही रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो, सबके साथ रहो और पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव यह कैसे हो सकता है? गुरुजी व्यक्ति को एक जगह पर ले गए जहां पर एक मेला लगा था और वहां बहुत भीड़ थी। गुरु ने कहा, देखो अपने आसपास यहां किसी को जानते? इबोला यहां तो कोई मेरी जान पहचान वाला नहीं है। गुरुदेव, गुरु ने कहा, क्या तुम यहां अकेले हो? व्यक्ति बोला, हाँ मैं यहां बिल्कुल अकेला हूं। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ मैं जल्द ही अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, माता पिता से मिलना चाहता हूँ, मित्रों से मिलना चाहता हूँ, वही मेरे मन में चल रहा है। गुरु ने कहा, अब यहाँ सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ होने वाली आवाजों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया, और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहाँ हो रही आवाजों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एक एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वहाँ इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज का कोई महत्व नहीं रह गया, बस आवाज थी और वह था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, गुरुदेव यहां तो मैं बिल्कुल अकेला हूं, सब है पर कुछ नहीं है। गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेला होना है, तुम्हें तुम रहो, सबके साथ पर फिर भी तुम अकेले रहो, साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह से अकेला जीना सीख लिया उसे कभी जीवन में दुख नहीं मिल सकता, उसे चीजें दुख नहीं देती, वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति करता है। गुरु ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती है, अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझो, बल्कि इसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे, इसका मतलब यह होगा कि तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है।
इसलिए अपने इस एकांत से प्रेम और सम्मान करो। गुरु ने कहा, मैं तुम्हें 7 ऐसी खूबियों के बारे में बताता हूँ जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती है और उन्हें दूसरों से अलग बेहतर बनाती है। गुरु ने कहना शुरू किया, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, वह कैसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं, वह खुद स्वभाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने के लिए काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एक हाथ में रहने वाले लोग खुद की कमजोरी और ताकत के बारे में अच्छे से जानते हैं, जिससे वह दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। गुरु ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी यह है कि वह सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। देखो, जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहाँ एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे कुविचार हमारे मन में अपने आप ही आने लगते हैं और फिर इंसान इन विचारों की बस में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है। साथ में रहने वाले लोगों के मन में यह विचार नहीं आते, लेकिन क्योंकि वह अकेले रहते हैं इसलिए दूसरों की तुलना में जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में बहुत ही कमाते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज्यादा समय मिल जाता है, जिससे वह अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें कम कर सकते हैं, जिसके कारण ऐसे एकांत में रहने वाले लोग ज्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत यह है कि यह लोग ज्यादा अनुशासित, आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज्यादातर काम खुद से ही करने पड़ते हैं, इसलिए यह दूसरों की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरों का पसंद नहीं आता, यह अपना काम खुद करने पर ही भरोसा रखते हैं। साथ ही यह लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़े पर, क्योंकि ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं, इसलिए ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। यह अपने समय की कदर करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे यह लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं और यह भी इनके अनुशासित होने का एक कारण है। गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वालों की चौथी खासियत यह है कि यह लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी गहराई और बारीकी से सोचना अकेले रहने वाले लोगों की बहुत बड़ी खासियत है। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े काव्य के रचयिता हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था, क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में होता है तो वह अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं उन सब की शुरुआत एकांत में हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। गुरु ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की पांचवी खूबी यह है कि उनका व्यक्तित्व सबसे हटकर होता है और वह लोग जो ज्यादातर दूसरे लोगों के साथ रहते हैं या अकेले रह नहीं पाते, वह कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन जाने अनजाने में ही सही, लेकिन दूसरों के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वह अनूठापन, निराला पर नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है, पर क्योंकि एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं, इसलिए यह दूसरों की बातें और विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं।
इनके अपने जीवन को जीने की खुद के बनाए गए नियम और कायदे होते हैं जिनका यहाँ पालन करते हैं। यह किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते, इसलिए ऐसे लोगों की शख्सियत सबसे हटकर सबसे अलग होती है। इसलिए इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को पसंद भी आ सकता है और नहीं भी। गुरु बोले, छठी खासियत जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है। अकेले रहने वाले लोगों के दूसरों के साथ रिश्ते बहुत ही गहरे और मजबूत होते हैं। हालांकि अकेले रहने वाले लोग ज्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते, लेकिन यह जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं यह उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को यह लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत ही कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए जिनसे यह दिल से जुड़े होते हैं कि मुझसे कितनी बातें करते हैं। ऐसे लोग उन्हें अपना मान लेते हैं और वहां उनके सामने अपना पूरा दिल खोल कर रख देते हैं। अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध तो रखते हैं, पर जरूरत पड़ने पर वह अपनी तरफ से पूरी मदद करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए उनके रिश्ते कम लोगों के साथ ही होते हैं, लेकिन जिनके भी साथ होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं। साथ में खासियत, अकेले रहने वाले लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर आज कोई समस्या उनके ऊपर आती है तो उन्हें अकेले ही उस समस्या से निपटना पड़ेगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के बढ़ने से मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते चले जाते हैं और वह यह मान लेते हैं कि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिससे वह अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर हरा नहीं सकते, और यही एक शोध उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद गुरु चुप हो गए तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन यह कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है। यह सुनकर गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान है। अगर हम उस समस्या को पूरी सकारात्मकता के साथ उपयोग कर पाए, क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं तब हम भीड़ का हिस्सा होते, लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब हम खुद के साथ होते हैं, और जो खुद के साथ होते हैं कभी हम अपने समय का सदुपयोग, खुद का आकलन, खुद के सोच और सभी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं, अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। व्यक्ति को गुरु की बात समझ आई और वह गुरु का धन्यवाद कर अपने घर चला गया। दोस्तों, हम इतना समझे कि जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं वह तब तक हमें दुख देती है जब तक कि हम उसे पा नहीं लेते, और जब हम उसे पा लेते हैं तब वह फिर हमें दुख देती है कि कई यूं हमसे छूट न जाए, और जब वह हमसे छोड़ जाती है फिर से हमें दुख देती है। उसके जाने का दुख बहुत गहरा होता है। जीवन भर में एक चीज को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज को पकड़ते हैं, तीसरी चीज को पकड़ते हैं और पीछे की चीजों को विदा करते रहते हैं। इसी तरह हम सुख पकड़ते हुए दुख को पकड़ते चलते हैं, और जिस व्यक्ति ने अकेला रहना सीख लिया वह परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए आनंद की प्राप्ति करते हैं, सारे कार्य को पूरा करते हुए सुख से जीते हैं, आनंद से जीते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर
बताएं अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक के साथ गौतम बुद्ध का यह संदेश अपने सभी प्रियजनों तक फैलाएं।